अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे होममेड कैरेमल। मार्केट से भी अच्छा हम कैरेमल घर में बनाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा स्किप किए बगैर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप जितनी चीनी। नॉर्मल घर वाली ये चीनी है। बस इसको मैं चीनी को पैन में डाल के और हल्के फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है, स्लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, वरना चीनी जो है जलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। तो ये देखिए चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी जो है हमारी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, कोई भी इसमें चीनी का दाना ना हो। तो देखें अभी इसमें थोड़े से है। तो देखिए चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून मक्खन। आप कोई सा भी बटर इसमें ऐड कर सकते हैं, अनसॉल्टेड या सॉल्टेड। बस इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे मक्खन हमारा, ताकि पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है शुगर के साथ ही। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हैवी क्रीम 1 कप जितनी। 1 कप इसमें हम हैवी क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम डालते ही इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जी क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम पर इसको हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो देख लीजिए इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे इसको हम मिक्स करते जाएंगे जो है चीनी और क्रीम ये साथ आपस में डिज़ोल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो बस अब हमने इसको कुछ नहीं करना, बस मिक्स करते जाना है ताकि जो चीनी है वो दोबारा से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और हमारा कैरेमल जो है बनना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा घर में बनता है और बहुत ही ज़्यादा मार्केट से महंगा मिलता है। तो आप लोग इस तरीके से घर में बनाएं, बहुत रीज़नेबल आपको प्राइस में ही घर में बन जाएगा। तो देखिए बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। बस इसको कंटिन्यूसली हम इस तरीके से हिलाते जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड कैरेमल पसंद है तो आप इस स्टेज पे आप इसको निकाल लीजिए। थोड़ा सा अगर थिक पसंद है तो इसको थोड़ा सा और कुक कर लें। तो देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो बस थोड़ा सा इसको मैं और मिक्स करूंगी और जी हमारा कैरेमल बनके रेडी है। तो कैरेमल हमारा बन गया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। अब मैंने इस तरीके से एक ग्लास जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे कैरेमल। थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म इसमें नहीं डालेंगे। तो बस मज़ेदार सा कैरेमल बन के हमारा रेडी है। आप इसके केक्स बनाएं, आइसक्रीम में इसको आइसक्रीम में डाल सकते हैं, केक में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर हम सेव करेंगे तो 1 मंथ के तक ये हमारा जो है कैरेमल बिल्कुल ठीक रहता है। तो जी ज़बरदस्त सा कैरेमल हमारा रेडी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।